हम सब जानते थे। रॉकी, सिंस 1951। क्या केजीएफ स्टारर यश का असली नाम नहीं है यश? और क्या करते हैं यश के पिता? बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दिसंबर 2018 में रिलीज हुई केजीएफ तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में नजर आए थे यश, जिन्होंने अपनी धमाकेदार एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केजीएफ का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द रिलीज होने वाला है। ऐसे में आइए आज जानते हैं अपने फैंस के बीच रॉकी भाई के नाम से फेमस एक्टर यश से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। यश का असली नाम नवीन कुमार गोड़ा है और इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में कर्नाटक के हसन जिले में हुआ था। आपको बता दें कि यश के पिता कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बस ड्राइवर है। कहते हैं कि यश बचपन से ही फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे, इसलिए वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए और यहाँ रहकर थिएटर की बारीकियाँ सीखते रहे। आपको ये भी बता दें कि केजीएफ रिलीज होने के बाद यश की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त इजाफा हुआ है और वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। वो प्रति फिल्म 15 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। बेटे के करोड़ों कमाने के बावजूद यश के पिता ने अपना बस चलाने का प्रोफेशन नहीं छोड़ा है। बड़े पर्दे पर तहलका मचाने से पहले यश टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। यश ने नंदा गोकुला नाम के टीवी सीरियल से ग्लैमर की दुनिया में डेब्यू किया था, जिसके बाद आने वाले सालों में उन्होंने कई और कन्नड़ टीवी सीरियल्स में काम किया था। यश को फिल्मों में पहला ब्रेक साल 2007 में आई कन्नड़ फिल्म जम्बदा हुडुगी से मिला था। यश न सिर्फ एक्टिंग बल्कि सिंगिंग में भी अपना कमाल दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि यश की शादी राधिका पंडित से हुई है और इनके दो बच्चे भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यश न सिर्फ फिल्मों बल्कि पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है। यश ने साल 2018 में कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में भाजपा और जेडीएस के लिए चुनाव प्रचार किया। बताते चलें कि यश और उनकी वाइफ एक फाउंडेशन भी चलाती हैं, जो जरूरतमंदों की सहायता करता है। इसका नाम यशो मर्गा फाउंडेशन है। मेकर्स का यही प्लान है कि फिल्म को तब रिलीज किया जाए थिएटर्स में जब भारी संख्या में लोग फिल्म को देखने पहुंचे। ऐसे में अभी के लिए 9 सितंबर केजीएफ 2 की रिलीज डेट तय की गई है। फिल्म के मेकर्स प्रशांत नील की ओर से अभी तक रिलीज को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हुए काफी लंबा वक्त बीत चुका है। ऐसे में फैंस को कन्नड़ स्टार यश की फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इसका पहला भाग भी लोगों को खूब पसंद आया था। बाहुबली की तरह ही केजीएफ चैप्टर 1 को भी फैंस ने खूब पसंद किया था और पूरे देश में फिल्म के चर्चे भी थे। अब केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म को भी पैन इंडिया 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि केजीएफ जितनी सुपरहिट होगी केजीएफ चैप्टर 2? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।